हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सीसीटीवी कैमरे का माइक का आपको वायरिंग करके बताने वाला हूं और ये वायरिंग मैं आपको काफ़ी ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आपने ये वीडियो को एक बार देख लिया तो अगर आपको कभी भी आपके घर में सीसीटीवी कैमरा में माइक लगाना है तो आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको किसी को भी बुलाने का, कोई भी टेक्नीशियन को बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपको ये माइक का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है या आपको ये कनेक्टर्स का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मैं उसको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर आपको इसको लेना होगा तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो माइक है इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है और ये जो कनेक्टर है, आपको ये कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, इसको भी मैंने अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम वायरिंग। वायरिंग करने से पहले हम जो माइक है उसको ओपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो ये है हमारा माइक, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइक है, अब हम इसका बॉक्स को रख देते हैं साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वायर है, 3+1 वायर है सीपी प्लस का, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये 3+1 वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस साइड पे वायरिंग करते हैं, आप देख सकते हैं इस साइड पे वायरिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक कलर का है, जो मेन वायर है आपका ये ब्लैक वाला, इसमें आपको एक निकलता है यहाँ पर से और एक निकलता है इसका न्यूटन। तो ये जो मेन वाला है, ये वाला जो ये वाला है ये प्लस है और ये वाला जो साइड में रहता है वो माइनस है, ठीक है ना। तो आपको इसका वायरिंग कैसे करना है सबसे पहले बता देता हूँ। ये कनेक्टर है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इसमें आपको मिला है रेड वायर और वाइट वायर। तो जो रेड वायर है दोस्तों, देखिए जो रेड वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना, ये रेड वाला पॉजिटिव रहता है। अब जो ये वाइट वाला है उसके जगह पे आपको बहुत सारा कलर देखने को मिल जाता है, तो जो ये रेड वाला है इसको हम लगाएंगे इसके प्लस में। आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला है ये इसका प्लस का है, ठीक है ना, ये इसका प्लस का है, ठीक है, आपने देख लिया ये प्लस में प्लस हो गया, और ये जो व्हाइट वाला है ये माइनस में लग जाएगा। तो आपने देख लिया ऐसे वायरिंग करना है, ठीक है ना, ये प्लस इसमें लग गया, माइनस इसमें लग गया। अब हम इसमें टेप मार देते हैं और दोस्तों आपको टेप ऐसे मारना है कि एक दूसरे से वायर टकराए ना, है ना, टच ना हो, आपको ऐसे टेप लगाना है। अब देखिए ये हमारा जो बीएनसी है कनेक्टर, ये फिट हो गया, ठीक है ना। अब हमको लगाना है पावर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन वायर मिल जाता है, ये देखिए आपको तीन वायर मिल गया है, एक है आपका रेड, एक है आपका येलो और एक है आपका ग्रे, ठीक है ना, ये आपको तीन वायर देखने को मिल जाता है। आप इसमें जिसको चाहे प्लस मान सकते हैं, मैं रेड को प्लस मार रहा हूँ और जो हमारा ये है येलो उसको मैं माइनस मार रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसमें जो मानना चाहते हैं आप मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं रेड को एज्यूम किया हूँ प्लस और येलो को एज्यूम किया हूँ माइनस, ठीक है ना। और इसमें भी आपको सेम कलर मिल जाता है आपके डीसी कनेक्टर में, तो मैं सेम लगा देता हूँ। ये देखिए रेड में रेड लगा दिया, ये रेड है हमारा प्लस और येलो हो गया हमारा माइनस, ठीक। ये तो आप देखिए ये हमारा वायरिंग हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा सीसीटीवी है इसमें भी आपको तीन वायर देखने को मिल जाता है, आप देखिए, ठीक है ना, एक मिल जाता है ब्लैक, एक मिल जाता है रेड, एक मिल जाता है वाइट। तो वाइट को आप निकाल दो बाहर। अब रेड को क्या करिए, आप रेड को रेड में लगा दीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दीजिए, ठीक है, रेड को पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दीजिए। उसके बाद जो ये ब्लैक है, ब्लैक इसको आप माइनस में लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो आपको एक ठो बचा हुआ आपको मिल जाता है, ये देखिए ये माइक के लिए यूज हो जाता है ना, तो इसको आप माइक के लिए लगा दीजिए। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वायरिंग हुआ है, ठीक है ना। प्लस में अपना रेड हो गया, है ना,
माइनस में अपना ये जो इसका ब्लैक वायर ये लग गया और वाइट में आपका माइक के लिए लग गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कर देना है इसको टेप, और टेप ऐसे लगाना है कि कोई भी वायर एक दूसरे से टकराए ना, ठीक है। तो मैं इसमें अब सिंपली टेप लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा माइक कनेक्ट हो गया है ना, ये हमारा डीसी कनेक्टर हो गया और ये हमारा बीएनसी कनेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब ये कैमरा साइड का हो गया आपका वायरिंग पूरा कंप्लीट। अब हमको करना है डीवीआर साइड का वायरिंग। अब हम करते हैं हमारे डीवीआर साइड तरफ का वायरिंग, ठीक है ना। तो ये डीवीआर साइड में कैसे वायरिंग होता है आपको मैं अब वो बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने बीएनसी कनेक्टर को लगाया था कैमरा वाले के तरफ, आपको उसी प्रकार से आपको डीवीआर तरफ भी लगा देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंपली वैसे ही लगा देता हूँ। इसमें आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आपको ऐसे ही इसका माइनस में माइनस लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये है ऑडियो कनेक्टर, आप देख सकते हैं ये है ऑडियो कनेक्टर, ठीक है ना। इसके जो मिडिल वाला है ये है प्लस और इसके जो साइड में है माइनस, जैसे कि आपको कैमरा की ये ब्लैक वाले वायर में देखने को मिलता है वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देना है, ये जो माइनस निकला है इसका, ये देखिए जो बीएनसी में माइनस है, आपको इसमें माइनस को लगा देना है, इसका माइनस को लगा देना है, किसका ऑडियो का माइनस को लगा देना है, ठीक है। तो इसमें आपको माइनस को लगा देना है। जैसे ही आप इसको माइनस में लगाएंगे उसके बाद जो इसका प्लस है ऑडियो वाले का, आपको इसको ये जो ग्रे कलर का है आपको इसमें लगा देना है प्लस को, ये प्लस में लग गया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस पे टेप लगा देना है, ठीक है ना। तो जो हमारा बीएनसी का जो माइनस रहेगा वो ऑडियो के माइनस में लग जाएगा और जो ग्रे कलर का है वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इस पे हमको टेप को लगा देना है अच्छे से और एक दूसरे से टच ना हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डीवीआर साइड का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब जो ये आपका जो वायर बचा है रेड और येलो, ये पावर सप्लाई में जाएगा, ठीक है ना। ये है प्लस, रेड है प्लस और ये है माइनस, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने रेड को प्लस माना है और येलो को माइनस माना है, ठीक है ना। ये जाएगा पावर सप्लाई में। अब मैं आपको बताता हूँ ये फिट कैसे होगा। आप देख सकते हैं ये है मेरा कैमरा, ठीक है ना, सीपी प्लस का ये मेरा कैमरा है। तो जो कैमरा साइड ये वायरिंग कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा कैमरा, ठीक है ना। तो हमारा बीएनसी से बीएनसी कनेक्ट हो गया, ये बीएनसी से बीएनसी कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और पावर से पावर कनेक्ट हो गया और आपका ये माइक भी हो गया, ठीक है ना। ये माइक कैमरा से कनेक्ट हो गया। अब हम करते हैं डीवीआर साइड की बात। तो ये हमको दो कनेक्टर देखने को मिल जाता है डीवीआर साइड में। तो ये जो बीएनसी कनेक्टर है ये वो बीएनसी में लग जाएगा डीवीआर के सॉकेट में, ठीक है ना। और जो ये ऑडियो वाला सॉकेट है आप देख सकते हैं ये ऑडियो वाला, वो आपके डीवीआर के ऑडियो इन में लग जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके कैमरा में ऑडियो आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये सारा चीज़ का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.